गाइस आप लोगों ने तो अक्सर एप्पल के ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट जरूर देखा होगा। तो आप लोगों ने क्या कभी एक बात नोटिस किया है कि एप्पल का जो लोगो होता है वो आधा कटा हुआ क्यों होता है? पूरा भी तो हो सकता है। आधा कटा हुआ लोगो ही क्यों यूज करते हैं? गाइस इस इमेज को आप देख रहे हो तो क्या आप बता सकते हो कि ये किस जानवर की इमेज है? अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। गाइस क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे रिच बैगर यानी भिखारी कौन है? अब आप सोचोगे कि दुनिया का सबसे अमीर भिखारी, सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है ना? तो गाइज ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके ऑल पे कर ले, ताकि आप मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकोगे। ओके गाइज तो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 17। गाइज लैला एंड मजनू की लव स्टोरी को कौन ही जानता होगा? फिल्म, मूवीज या टीवी पे इनकी लव स्टोरी हमेशा चर्चित में रहती है। एंड ऑफ कोर्स गाइज आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि आखिर ये दो कपल्स दिखते कैसे होंगे। तो गाइज जो आप इमेज देख रहे हो ये है लैला एंड मजनू की ओरिजिनल पिक। चौक गए ना? फैक्ट नंबर 16। गाइज इन तीनों इमेज को आप ध्यान से देखो, इन तीनों इमेज में तीन अलग अलग क्रिएचर दिख रहे हैं, जैसा कि आपको फर्स्ट इमेज में एक डॉग की इमेज, सेकंड में एक कैट की इमेज एंड थर्ड में एक रैबिट की इमेज दिख रही है। लेकिन गाइज जैसा कि आप इसे जूम करोगे, चलिए मैं ही जूम कर देती हूँ, अगर आप इसमें देखोगे तो आपको अलग ही व्यू दिखेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक्चर में दो पर्सन है जो हेड टच करके बैठे हुए हैं और इसे इस तरह कैप्चर किया गया है कि आपको लगेगा कि ये एनिमल्स की पिक्चर है। वाओ सो नाइस फोटोग्राफी गाइज। फैक्ट नंबर 15। गाइज ये जो आप इमेज देख रहे हो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये एक एंट यानी चींटी की फेस का इमेज है जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लिया गया है। एंड गाइज ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी एलियन का इमेज है। फैक्ट नंबर 14। गाइज ये बात 1953 की है जब एक लड़ाकू विमान ने खुद को ही शूट कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि जो उसका बुलेट का स्पीड था उसका जेट उसके बुलेट के स्पीड से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से जब उसने बुलेट हीट किया तो आगे जाके बुलेट उसके जेट में ही लग गया एंड उसकी प्लेन पास्ट हो गई। फैक्ट नंबर 13। गाइज इस इमेज में जो आप पर्सन देख रहे हो इसके कारनामे जानकर आप हैरान हो जाओगे। गाइज दरअसल बात ये है कि इस पर्सन ने अकेले ही 217 बैंकों की सिस्टम को हैक कर लिया और 4000 मिलियन डॉलर्स को चुरा लिया और इस पूरे पैसे को अफ्रीका एंड पैलेस्टाइन के गरीब लोगों को डोनेट कर दिया। और ये जब पकड़ा गया तो ये एक स्माइल के साथ फांसी पर लटक गया। वाओ इसे कहते हैं रियल रॉबिनहुड गाइज। फैक्ट नंबर 12। गाइज ये फैक्ट देख के आपको पता चलेगा कि जो इंडियन सोल्जर होते हैं उनकी लाइफ कितनी संघर्षों से भरी हुई होती है। तो गाइज फैक्ट ये है कि कश्मीर में एक तैनात सोल्जर रोज एटीएम से 100 रुपए विड्रॉ करते थे, ऐसे वो 2-3 हफ्ते वहाँ रोजाना 100 रुपए निकालते थे। इसको देखते हुए एटीएम के गार्ड ने एक दिन उनसे पूछा कि आप रोज 100 रुपए निकालने के बजाय एक ही बार में पूरे पैसे क्यों नहीं निकाल लेते हो? उस इंडियन सोल्जर ने जो जवाब दिया उस जवाब को सुनकर आप हैरान हो जाओगे। गाइज उस इंडियन सोल्जर ने कहा कि मैं रोज 100 रुपए इसलिए निकालता हूँ कि इससे मेरे परिवार के पास मेरे पैसे निकालने से ये मैसेज आता है कि मैं जिंदा हूँ। फैक्ट नंबर 11। गाइज इजिप्ट। इजिप्ट का नाम सुन के आपके दिमाग में कुछ ऐसा इमेज बनता होगा जैसे कि वहाँ पर रेगिस्तान होंगे, रेगिस्तान में बहुत सारे पिरामिड होंगे। लेकिन गाइज रियलिटी इससे कोसों दूर है। इजिप्ट अब बहुत वेल डेवलप्ड कंट्री बन चुका है जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। फैक्ट नंबर 10। गाइज इस इमेज में जो आप लेक देख रहे हो ये लेक एक कॉमेट के पृथ्वी से टकराने के कारण बना है और ये लेक 52,000 साल पुराना है। इसका नाम है लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है। फैक्ट नंबर 9। गाइज इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखो, इस पिक्चर को इस महिला ने अपने कार में तब लिया था जब वो कार में बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। बट गाइज जैसे ही उसने इस इमेज को गौर से देखा तो वो बिल्कुल डर गई क्योंकि इस पिक्चर में उसके अलावा भी कोई उसके पीछे बैठा हुआ था, जैसा कि गाइज आप देख रहे हो कि उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था। जब इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया गया तब पता चला कि जो बच्चा पीछे बैठा था उसकी मौत लगभग 1 साल पहले उसी रोड पर हुई थी और आज भी ये केस मिस्ट्री ही बन के रह गई है जिसका कुछ पता नहीं चला। गाइज ये बात बहुत अजीब है लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 8। गाइज इस इमेज में जो आप बच्ची देख रहे हो ये जब महज 3 महीने की थी तो इसकी माँ का डेथ हो गया था और ये अपनी माँ को मिस करते हुए रोया करती थी क्योंकि इसकी माँ के साथ एक भी फोटो इसकी नहीं थी। तो एक ग्रेट आर्टिस्ट ने इन दोनों के इमेज को लेके एक ऐसा पिक्चर तैयार किया जिससे ऐसा लगता है कि बच्ची की माँ उसके साथ है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो। वाओ ग्रेट आर्टिस्ट गाइज। फैक्ट नंबर 7। गाइज आप लोगों ने तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी के बारे में जरूर सुना होगा, बट गाइज क्या आप लोगों ने दुनिया के सबसे अमीर भिखारी के बारे में सुना है क्या? आई नो आप सोच रहे हो कि दुनिया का सबसे अमीर भिखारी,
बट गाइस इट्स ट्रू, एक ऐसा भिखारी है जिसका नाम है भरत जैन, जिसका टोटल नेटवर्थ है ₹7.5 करोड़। OMG गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसे गूगल पे सर्च करके देखा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। गाइस, सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके एक महीने की कमाई भीख मांगे ₹75,000 है, और तो और मुंबई में उसका 2 BHK का फ्लैट है जिसका वर्थ है 1.2 करोड़। एंड गाइस, यही नहीं, थाने में उसका अपना 2 शॉप है जिसका रेंट उसे मिलता है 30,000 per month। OMG, सो शॉकिंग गाइस। फैक्ट नंबर 6 गाइज, आज हमारा साइंस इतना डेवलप्ड हो चुका है कि हमारे साइंटिस्टों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल लीफ बनाया है जो एटमॉस्फेयर से आए हुए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली फ्यूल में चेंज कर देता है। दैट्स सुपर्ब इन्वेंशन गाइज। फैक्ट नंबर 5, जनरली गाइज हमारी कंट्री यानी इंडिया में सनराइजेस एंड सनसेट 24 आवर के बीच में होता रहता है। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है कि अलास्का के एक शहर में जो सनसेट होता है वो 18 नवंबर को होता है, लेकिन जो सनराइजेस होता है वो पूरे 67 दिनों के बाद होता है। यानी गाइज 23 जनवरी को सनराइज होता है। इन पीरियड्स के बीच में यहाँ पे सिर्फ अंधेरा छाया रहता है। फैक्ट नंबर 4 गाइज, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे कीमती पत्थर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आपके मन में डायमंड या कोहिनूर की बात आती होगी। बट गाइज, इट्स नॉट ट्रू। क्या आपको पता है कि टैंजनाइट नाम का एक ऐसा स्टोन है जो सिर्फ माउंट किलिमंजारो में पाया जाता है, जो कि अफ्रीका में है। गाइज, ये स्टोन 100 गुना ज्यादा कीमती है एक हीरे के मुताबिक। नंबर 3 गाइज, ये जो इमेज आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये अभी तक की सबसे वायरल इमेज है। गाइज, बात ये है कि ब्राजील के रियो डी जानेरियो में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वहाँ के एक अस्पताल में 13 फरवरी को एक बच्ची ने जन्म लिया और वो सुपरस्टार बन गई, क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्ची गुस्से से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। गाइज, बात ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ने बच्ची को रुलाने की कोशिश की थी, तो बच्ची ने डॉक्टर को गुस्से वाले निगाहों से देखना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 2 गाइज, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आते रहते हैं, कुछ तो कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं। तो गाइज, सेल्फी लेना तो बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन गाइज क्या आपको पता है कि सेल्फी से भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। एंड गाइज, इस फैक्ट को बताते हुए मुझे ये सॉन्ग याद आ रहा है, सेल्फी लेने की रिकॉर्ड। तो गाइज, ड्वेन जॉनसन जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है 3 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फी लेने की, गाइज उन्होंने 3 मिनट में 122 सेल्फी लेने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 1 के पहले हमारे चैनल का एक एम है जो कि 10K यानी 10,000 सब्सक्राइबर का, और वो भी 30 मार्च से पहले। तो इस एम को पूरा करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन को दबा के और वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, एप्पल ब्रांड के प्रोडक्ट को तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, एंड मे भी कुछ लोग यूज भी करते होंगे। तो गाइज, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एप्पल का जो लोगो होता है वो आधा कटा हुआ क्यों होता है? तो गाइज, मैं बताती हूँ आपको। गाइज, ऐसा कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल इसलिए रखा क्योंकि उत्तर कैलिफोर्निया में उनका सेब का एक बाग था। जब वो कंपनी बनाने जा रहे थे तो नामों की सूची में एप्पल सबसे ऊपर था और ये नाम उन्होंने ही दिया था। और गाइज, जब एप्पल कंपनी के लोगो की बात चल रही थी तब 1977 में रॉब जेनिफ ने इस लोगो को तैयार करके एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया था, और पहले ही नजर में जॉब्स को ये चखे हुए सेब का लोगो बहुत पसंद आया था। इसी कटे हुए सेब के बारे में कहा जाता है कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के पिता माने जाने वाले एलन टर्निंग की याद में बनाया गया है, जिनकी 1954 में क्रिटिकल सिचुएशंस में मौत हो गई थी और उनके बॉडी के पास एक चखा हुआ जहरीला सेब मिला हुआ था। और साथ ही रॉब जेनिफ ने कहा कि चूंकि सेब एक ऐसा फल है जिसकी आकृति थोड़ी सी कटने के बाद भी पहचान नहीं बदलती, इसलिए एप्पल कंपनी के लिए इस तरह का लोगो तैयार किया गया। यही कारण है गाइज, एप्पल का लोगो थोड़ा कटा हुआ होता है। सो गाइज, दैट्स फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियोज को अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूले, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।